तर गेल्या काही दिवसांपासून राहुल गांधी हे अदानी यांच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वारंवार टार्गेट करत असल्याचं पाहायला मिळालं, आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा राहुल गांधी यांनी टीका केली. पाहूयात. अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है. ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है. कैसे? कोल प्राइस को गलत दिखाकर, ओवर इनवॉइस करके, यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर. लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अदानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती. शरद पवार से क्या आपने कभी यह सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है, शरद पवार बार बार अदानी से मिलते हैं, मनसा करते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे यह सवाल नहीं पूछा है. शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी. मिस्टर मोदी इज. And that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar.